हाय एवरीवन, वेलकम टू राधास किचन। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओरियो बिस्किट से केक कैसे बनाया जाता है और ऊपर का जो डिजाइन है इसको भी कैसे बनाया जाता है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, इसको बनाना बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 3 बिस्किट्स का पैकेट ले ली हूँ ओरियो का। ये 30 रुपये वाला पैकेट है और ये 10 रुपये वाला पैकेट है। आप चाहे तो छोटा वाला पैकेट भी ले सकते हैं या फिर बड़ा वाला 2 पैकेट ले सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों को मिला के ली हूँ। इस तरह एक केक टिन ले लेंगे और अच्छे से ऑयल में ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप ले सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे। इस तरह करने से केक चिपकता नहीं है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नया वीडियो जो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फ्रेंड्स, ये देखिए केक टिन जो है हमारा रेडी है। अभी इसको साइड में रख देते हैं और बिस्किट को हम निकाल लेंगे। अभी इन बिस्किट्स को हम पाउडर बना लेते हैं। थोड़ा सा भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए, फाइन पाउडर बना लेंगे। ढक्कन लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पाउडर है बनके रेडी है बिस्किट का। अभी इस पाउडर को हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 1 कटोरी उबला हुआ दूध ले ली हूँ। रूम टेम्परेचर में है ये दूध और थोड़ा थोड़ा डालेंगे, बैटर तैयार कर लेंगे। लम्स फ्री बैटर होना चाहिए, एक साथ दूध नहीं डालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हम अच्छे से मिला लेंगे और अभी मैं इसमें डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से हमारा केक जो है स्पंजी बनेगा और अच्छे से मिला लेंगे। केक का बैटर जो है ये रेडी हो गया है। इस तरह होना चाहिए बैटर, ज़्यादा पतला नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अभी ट्रांसफ़र कर लेते हैं केक टिन में। बहुत इजीली ये घर पर बन जाती है आसानी से। तो आप इस तरह घर पर ज़रूर ट्राई करें ओरियो बिस्किट का केक। और अच्छे से टेप कर लेते हैं हल्के हाथों से और इस तरह करने से एयर बबल्स जो है निकल जाएगा। गैस के ऊपर कढ़ाई को मैंने फ्री हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख दी थी। नीचे थोड़ा सा नमक डाल देंगे और स्टैंड लगा कर उसमें डाल देते हैं हमारा केक टिन और ढक्कन लगा कर हम 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे केक को। ये देखिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं हमारा केक किस तरह बना है, बेक हुआ कि नहीं। ये देखिए, ये चिपक नहीं रहा है कुछ भी बैटर, तो हमारा केक बन के रेडी है। ये केक को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। केक अच्छे से ठंडा होने के बाद हम डीमोल्ड करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। इजीली बन गया है हमारा ओरियो बिस्किट का केक। ये देखिए, बहुत अच्छा स्पंजी और यमी बना है। ये पीछे का हिस्सा है नीचे वाला और ऊपर का इस तरह है। और अभी हम डिजाइन बनाएंगे इसमें। तो इस तरह एक पेपर ले लेते हैं और उसको काट कर ओरियो का डिजाइन हम लिख के काट लेंगे। इस तरह आप चाहे तो कोई भी कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। और इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, छिड़क लेते हैं ऊपर से। कोई भी छन्नी या फिर हाथों में भी इस तरह आप छिड़क सकते हैं। और अभी हम धीरे से हटा लेंगे पेपर को। ये देखिए फ्रेंड्स, ओरियो का डिजाइन बन के रेडी है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, ओरियो बिस्किट का केक आप एंजॉय करिए हमारे साथ। बहुत अच्छा, टेस्टी, यमी और स्पंजी बना है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह
केक घर पर बनाइए, खाइए और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।